जय हिंद, नमस्कार। दिस इज विक्के मिश्रा। तो दो तरह के विद्यार्थी होते हैं और दो तरह के लोगों को कभी समझाने की ना किसी की जरूरत पड़ती है और ना ही कभी कोई समझा सकता है। एक वैसे विद्यार्थी जो या तो कुछ नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को सब कुछ समझते हैं, और एक ही वैसे विद्यार्थी जो पहले से दिमाग में डाल रखे कि हमें कोई समझा नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को समझाना व्यर्थ है। और मेरा ये वीडियो जो जा रहा है और विशेष तौर से एसएससी जीडी जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, एंड आई थिंक कि मतलब इसी वीक में, इसी सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे और लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कंडक्ट करेगा। एसएससी इसको कंडक्ट कर रहा है जिसमें जीडी पद के लिए 26,000 के आसपास सीट रखे गए हैं, जिसमें काफी विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है एंड एक्सेप्ट किया है कि हम एक सीट लेके रहेंगे। और इसी दरमियान हम भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कभी रीजनिंग से, कभी मैथ से, कभी जीके जीएस से, कभी हिंदी से अनवरत लेके आते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या हम सब इतिहास पढ़ जाए, क्या हम पूरा ज्योग्राफी पढ़ जाए, क्या पूरा पॉलिटिकल पढ़ जाए, पूरा रीजनिंग पढ़ जाए? तो नहीं, ऐसे कुछ भी जरूरत नहीं है। बस आपको ये चीजें देखना है कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कहां से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको मेक परफेक्ट बनाएगा, अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत आपका रिजल्ट नहीं मंगा सकता है। और जब तक आपके बाजू में बल नहीं होगा ना, आपके पास अपना दिमाग नहीं होगा ना, तब तक सिर्फ आप फॉर्म तो भर सकते हैं, एडमिट कार्ड मंगा सकते हैं, एग्जाम हॉल में भी जा सकते हैं, बट आपका रिजल्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। रिजल्ट कैसे होगा तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इसके लिए हमने एक बुक का भी रिकमेंड किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक बुक का भी बराबर हम यहाँ पे नोटिस करते रहते हैं कि इस बुक को अगर ले लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि फिर किसी चीज की आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन डाले गए हैं, जितने भी एसएससी जीडी अब तक कराया है सभी प्रीवियस ईयर का है। प्लस सिलेबस वाइज किस सिलेबस में क्या चीजें पढ़ना है, एक बुक में सब चीजें जब आपको मिल रहा है तो फालतू को इधर उधर ढटोल मारने से कोई फायदा नहीं है। रही बात कि एक विद्यार्थी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि सर हम आपके किसी भी बातों पे ट्रस्ट नहीं करते, यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते। तब तक दूसरा मेरा ही स्टूडेंट एक वहां पे कमेंट करता है कि अगर मेरे गुरुजी पे आप भरोसा नहीं करते तो बालाजी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। इतना बड़े तो खैर हम नहीं है कि बालाजी बागेश्वर धाम सरकार के तुलना हम खुद को कर सके, बट आई मेक श्योर कि हम जो भी देते हैं ना स्टूडेंट को, ये जो आपको दिख रहा है ये भी विद्यार्थियों का दिया हुआ चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हमको भी अच्छा लगता है कि विद्यार्थी थोड़ा सम्मान सम्मान रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जिसको हम पे भरोसा हो तो वही हमसे हमसे जुड़े रहते हैं, जिनको हमसे भरोसा नहीं होता ना हमसे दूर रहते हैं। और खास तौर से हम तो किसी विद्यार्थी को नहीं चाहेंगे कि उनका रिजल्ट कभी गड़बड़ हो, इसीलिए हर वीडियो में रिकमेंड करते हैं, हर वीडियो में समझाने का प्रयास करते हैं कि बाबू अगर आपका रिजल्ट कोई मंगा सकता है ना तो स्वयं आप हो, अपने अंदर की क्षमता पहचानोगे ना तो जरूर कर पाओगे। हम आपको सभी किताब पढ़ने से मना कर रहे हैं कि बहुत सारा किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, पूरा रीजनिंग क्या पढ़े क्या ना पढ़े, पूरा क्लॉक पढ़ ले, पूरा वर्बल पढ़ ले, नॉन वर्बल पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर में देखिए कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक को रियाज में रखिए, प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि ये भी बात ध्यान में रखना जाए, जीके जीएस आपका उठाकर पटक सकता है, हिंदी आपको उठाकर पटक सकता है। मतलब उठाकर पटकने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इस साल का उस साल में पूछ सकता है, बट हिंदी सॉरी रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इधर का उधर नहीं करता, डिजिट जरूर इधर उधर गोल कर देता है, समझे ना, कंसेप्ट गोल नहीं करता है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना कि मैथ किस लेवल से पूछता है, रीजनिंग किस लेवल, क्योंकि रिजल्ट इन्हीं दोनों की वजह से होगा। हाँ, हिंदी पे और आपका जीके जीएस पे भी पकड़ है तो रिजल्ट तो 100% कन्फर्म है आपका होगा। अगर रीजनिंग और मैथ आपको बनाने नहीं आता तो स्वयं वर्मा विष्णु महेश भी आपका रिजल्ट नहीं मंगा सकते हैं। हमारी बात आज भी आपको चुभ गया हो तो सॉरी, बट सही बोल रहे हैं कि मैथ रीजनिंग जिससे नहीं बनता है उसका रिजल्ट इस जन्म में नहीं होगा, अगला जन्म मिले तो ट्राई कर लेना, इस जन्म में बाबू तुमसे कॉम्पिटिशन नहीं निकलने वाला है जिससे रीजनिंग और मैथ नहीं बनते हैं। तो हमको लगता है कि आपको पकड़ बनाने की मैथ और रीजनिंग पे ही होगा, मैथ पे पकड़ बनाइए, रीजनिंग पे ऑटोमेटिक पकड़ बन जाएगा। रही बात जीके जीएस की, कितना भी पढ़िएगा ना 10 से 15 पार नहीं करिएगा, ये ध्यान में दिमाग में अगर है ना, दिन भर उलाटते रहते, शाम को उलाटते रहते, सुबह को उलाटते रहते, जीके जीएस खूब पढ़ते हैं 10-15, आज तो कोई माई के लग पैदा नहीं होता कि 15 से टपा दे, कोई नहीं, स्वयं टीचर जो पढ़ाता है ना, हम भी अपनी खुद की बात कर रहे हैं, हमें भी इतनी औकात नहीं है कि हम भी 15 पार करा दे, 20 में 15 पार करा दे, सही 100%। तो कोई टीचर भी इस चीज को बोलता है फेंकने के लिए, लंबा कोई भी फेंक देता है, लेकिन टीचर में भी इतनी औकात नहीं होती है कि वो 20 में 20 क्वेश्चन का जीके जीएस बेसिकली करते हैं। रीजनिंग 20 का 20 कर सकता है, मैथ 20 का 20 कर सकता है, हिंदी भी 20 का 20 कर सकता है, रीजनिंग सॉरी जीके जीएस नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका बाप होता है, समझे।
बाकी हमारा इशारा किधर है ये समझ रहे होंगे, आपका बोलने ना बोलने से ना हमारा स्वाभिमान मान इज्जत कम होगा। आप अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन इधर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक आदमी अगर हमारा इंसल्ट करने वाला मिलेगा ना तो हजारों हमारा मान सम्मान देने वाला जरूर मिलेगा। तो आपकी एक ना मानने मानने से हमारा ना कुछ कल फर्क पड़ा था, ना आज पड़ रहा है और ना आगे पड़ेगा। आपको जो मर्जी वो कीजिए, हमें जो मर में आएगा वो हम बोलते रहेंगे कहते रहेंगे। आपको पसंद नहीं है तो आप हमारे वीडियो से ही दूर रहिए, क्या फर्क पड़ता है। कौन सा आपको हम इन्विटेशन कार्ड दे रखे कि हमारा वीडियो देखिए देखिए। जय हिंद।